क्या हो रहा है बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? चाय ले आ दें बस। चाय? अच्छा ठीक है, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। बाबा क्या हुआ? बाबा स्ट्रोक के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 से 6 लाख अफराद को मुतासर करता है और इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो माजूरी या मौत का शिकार भी हो जाती है बरवक्त इलाज ना मिलने की वजह से। इस इलाज में जो एक जदीद पेशरफ्त हुई है वो मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी, जिसमें एक स्टेंट रिट्रीवर के ज़रिए से ब्लड क्लॉट को निकाल दिया जाता है, मगर इस इलाज में वक्त की ख़ास अहमियत। बेहतरीन नतायज 4 से 6 घंटे के दौरान अगर मरीज अस्पताल में पहुंच जाए तो बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं, और कुछ ख़ास मरीज़ों में, कुछ ख़ास केसेस में हम 24 घंटे तक भी इस इलाज को कर सकते हैं। और फॉलिज जो है, स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, उसकी एक बड़ी वजूहात में से ब्लड क्लॉट का खून की शरियानों में चले जाना और जिसकी वजह से खून के बहाव में कमी हो जाना या रुक जाना ये है। तो इस जदीद तरीके इलाज में ये जो स्टेंट रिट्रीवर है इसको हम एक ख़ास जगह पे पहुंचाते हैं जो इस ब्लड क्लॉट को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और फिर जब इसको निकाला जाता है तो ये भी उस क्लॉट को निकाल लेता है, जिसकी वजह से खून के बहाव जो है वो नॉर्मल हो जाता है और दिमाग के खुलिए जो है वो मौत से, ख़त्म होने से बच जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खून की एक बड़ी शरियाद है और ये जो सफ़ेद आपको निशान नज़र आ रहा है ये वो खून का एक क्लॉट है जिसने सारे बहाव को आगे रोक लिया है, और फिर आगे आप देख रहे हैं कि खून की शरियाद में कोई बहाव आगे जा नहीं रहा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जाली नुमा आपको एक डिवाइस नज़र आ रहा है ये स्टेंट रिट्रीवर कहलाता है। तो ये वो डिवाइस है जिसको इस क्लॉट के गिर्द हम ले के गए हैं, और उसके बाद जब इस डिवाइस को निकाला गया तो इससे खून का बहाव जो है वो भी नॉर्मल हो गया। ये वो जदीद बायप्लेन एंजियोग्राफी मशीन है जिसके ऊपर ये केस परफॉर्म किया गया। तो ये इस तरह की न्यूरो इंटरवेंशन जितनी होती हैं उसके लिए स्पेसिफिक है, अपनी नौयत की पाकिस्तान में मौजूद चंद मशीनों में से एक है जिसमें सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको चहकों को पहचानना है। चहकों की जो अलामत हैं कि चे से चेहरे में कमज़ोरी, हे से हाथ में या टांग में कमज़ोरी, काफ से कलाम यानी बोलने में मुश्किल, और वाव से वक्त, वक्त है कॉल करने का या हस्पताल पहुंचने का। हाल ही में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में बायप्लेन एंजियोग्राफी मशीन का को इंस्टॉल किया गया है। ये पाकिस्तान में लगने वाली दूसरी या तीसरी मशीन है। एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से इस मशीन के बेहद फायदे हैं। स्ट्रोक इंटरवेंशन हमारे मुल्क में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है जहाँ पे एक छत के नीचे एक मरीज आए और उसको तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ये जदीद मशीन इंस्टॉल की गई है। तो इसमें वक्त की ख़ास अहमियत है, और याद रखिए कि वक्त का बचाना दिमाग का बचाना है, और वक्त का ज़िया दिमाग का ज़िया है।